आज हम बस्ती विधानसभा सदर के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन, जो डॉक्टर बीके वर्मा के पुत्र हैं, संत गाड़गे बाबा के 65वें पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं और अपने समर्थकों के साथ में। वो सादर जय भीम, आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस पुण्यतिथि के अवसर पर? हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। जय भीम। सबसे पहले तो संत गाड़गे जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज 65वें पूर्ण तिथि पर हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से संत गाड़गे जी महाराज अपना पूरा जीवन समाज के सुधार के लिए लगा दिए, वो एक शिक्षक थे और चूँकि वो दलित परिवार में जन्म लिए, धोबी परिवार में जन्म लिए, जिसके वजह से उस समय उनको समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि एक शिक्षक के रूप में और अपने समाज को जगाने के लिए गाड़गे जी महाराज फटी चप्पल पहनकर और सर पर मिट्टी की कटोरा को लेकर के और जगह जगह पर जा कर के अपने समाज को जगाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया और उनके साथ धीरे धीरे लोगों का जुड़ाव हुआ और लोग समझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बहुत ही नज़दीकी करीबी रहे। और जब बाबा साहब की मृत्यु हुई तो उसको संत गाड़गे जी बर्दाश्त नहीं कर पाए, सहन नहीं कर पाए और 20 दिसंबर को उनका भी परिनिर्वाण हो गया। इसी संदेश के देते समय कि सारे लोग आज उनके जीवन को और जो संदेश वो इस समाज को देना चाहते थे समाज उस समय नहीं एक्सेप्ट कर पाई, लेकिन आज उसी समाज के लोग हर जगह पर पॉलिटिक्स से लेकर के ISPCS तक के कुर्सी पर हैं, उनको समर्थन कर उनके संदेश को हर जन तक पहुंचाने का कार्य करें जिससे बाबा साहब का जो मिशन था वो पूरा हो सके और मानव धर्म इस देश में, हमको नहीं लगता कि और अगर मानव धर्म को अपना लिया जाए तो किसी धर्म की आवश्यकता है। इसी के साथ जय भीम, जय संत गाड़गे, जय महाराज, जय।